चीड़ी चोंच भर ले गई घट्यो न नदी रो नीर, दान दीन धन घटे कह गए संत कबीर। आज इसी श्लोक को सिद्ध करके दिखाया है आरएलपी के तहसील अध्यक्ष अनूप सिंह पुनिया ने। आज मैं एक ऐसी अनोखी शादी में पहुंचा हूं राजगढ़ में, ये सांसियों का मोहल्ला है। यहां पर अनूप पुनिया ने एक गरीब परिवार की बच्ची को बारात का खाना दिया है और इनका कहना है कि ये सहायता नहीं इंसानियत है। अगर इन्हीं की तरह हर कोई अनूप पुनिया बन जाए तो एक गरीब बेटी के बाप उस पर कभी बेटी बोझ नहीं बनेगी। ये जनता को सीख लेनी चाहिए, जो करोड़ों रुपए कमाते हैं उनको अनूप पुनिया से सीख लेनी चाहिए कि अपनी मेहनत की कमाई से किसी गरीब बेटी के बाप की इस तरह सहायता की जा सकती है, वो इनसे सीखे। पुनिया जी, जिस तरह की से आज आपने एक गरीब बेटी की सहायता की है, शादी में आपने खाना दिया है बारात का, ये आपके अंदर विचार कहाँ से आए? ये मेरी टीम का विचार था, मेरी टीम के सदस्यों का मानना था कि किसी गरीब की सहायता करना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। नंबर दो में बात यह, हमारा भाई है, गरीबी अमीरी मालिक की देन है, कोई बात नहीं है, बल्कि हमारी टीम ने थोड़ी बहुत कोशिश मेहनत की है, उसी का फल है कि हम इस भाई की थोड़ी बहुत मदद कर सके। जिस तरीके से आज आपने मदद की है, निरंतर आप मदद करते रहिए, हमारी यही कामना आपसे है कि भगवान आपको इतना पैसा दे कि आप हर एक गरीब बेटी के बाप की हेल्प करें। जनता को, जो बड़े पैसे कमा के लोग बैठे हैं, जिनके पास पैसों का ढेर लगा हुआ है, उनको क्या सलाह देंगे? उनको इस तरह की जो आपने सेवाएं की सहायता दी इधर, उनको क्या कहेंगे? करने व करवाने वाला तो मालिक है, लेकिन जिनके पास अनाप शनाप धन है उनको भी कुछ सहायता गरीबों की करनी चाहिए। ये उनके लिए संदेश है कि आगे आए, कुछ सहायता करें, थोड़ी सी सहायता से किसी का भला हो सकता है। गरीब जो है एक धब्बा है गरीबी, और ये धब्बा क्यों है? 70 साल में इस देश ने क्या नहीं देखा, लेकिन एक गरीब मजदूर की सरकारें कभी नहीं सोचती है, और ऐसे भामाशाह निकल के आए जिस प्रकार से अनूप पुनिया है। मैं तो ये कहूंगा सरकारों के भरोसे बैठना बंद कीजिए। इस तरह से आप है ना अपने पड़ोसियों की, अपने गांव में, अपनी तहसील में, जहां कहीं भी ऐसा गरीब व्यक्ति आपको दिखे तो उसकी हेल्प करिए। आप अकेले के पास पैसे नहीं है तो चंदा कर लीजिए, लोग देने को तैयार हैं, बस आप एक आह्वान कीजिए और अनूप पुनिया उसकी मिसाल बन के तैयार हैं। उनके पिताजी हमारे साथ में, उन्होंने क्या कहा है इस पर, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। कार्य यहाँ पर किया है, एक लड़की की शादी में बारात का खाना उन्होंने दिया है, उसकी लड़की के पिताजी का क्या कहना है, हम आप उनसे बात कराएंगे। जिस तरह से अनूप पुनिया ने यहाँ लड़की की शादी में बारात का खाना दिया है, आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद जी उनका। उन्होंने मेरे, मैं आर्थिक स्थिति से ठीक नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा सहयोग दिया है। बहुत अच्छे आदमी है अनूप जी, अनूप पुनिया जी बहुत अच्छे आदमी है, जो कि हमारा एक लड़की की शादी में उन्होंने इतना सहयोग दिया है। पूर्व बरातियों 500-600 आदमियों का खाना बनवाया उनका, मैं अपने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप क्या काम करते हैं जी? मैं मजदूरी का काम करता हूँ। मजदूरी का काम करता हूँ।